नमस्ते। आईटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी कर रहे हैं और अब वो सेकेंड ईयर के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रुप से संबंधित हैं, उनके लिए ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम के कुछ सर्किट देखे थे, तो कुछ सर्किट और हैं अभी। आज हम कुछ नए सर्किट देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल बेल सर्किट। इलेक्ट्रिक जो बेल होती है उसको हम सप्लाई की जो लाइन है उसके साथ किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, और एक लैंप का सर्किट को हम एक स्विच के साथ कैसे जोड़ेंगे वो बता रखा है। सीलिंग फैन सर्किट, सीलिंग फैन पंखा, तो इसमें एक फैन रेगुलेटर भी लगेगा और सिंगल पोल स्विच भी लगेगा, तो इस किस प्रकार से हम फेस और न्यूट्रल के साथ इसका कनेक्शन करेंगे। फिर है सॉकेट सर्किट, थ्री पिन सॉकेट को हम सप्लाई लाइन के साथ किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, सॉकेट के साथ एक स्विच भी लगेगा, ऑन ऑफ कर सकते ताकि। इसके बाद देखिए स्टेयर गैस वायरिंग, सीढ़ियों की जो वायरिंग है ये बता रखें, तो इसके अंदर सीढ़ियों की जो नीचे की तरफ टू वे स्विच लगेगा और ऊपर भी टू वे स्विच लगेगा। लैंप आप एक लगा सकते हैं। ट्यूबलाइट का सर्किट सिंपल दे रखा है, ये स्टार्टर चोक सिंगल पोल स्विच। हमने पिछले वर्ष सिंगल फ्लोरोसेंट ट्यूब का सर्किट देखा था, लेकिन कई बार परीक्षा में टू फ्लोरोसेंट ट्यूब का कनेक्शन का सर्किट भी पूछते हैं। दो ट्यूबलाइट इसमें शो कर रखी है और दोनों को न्यूट्रल फेस से किस प्रकार जोड़ेंगे, फ्यूज है, स्विच है, चोक है और स्टार्टर के साथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सिंगल फ्लोरोसेंट और डबल फ्लोरोसेंट ट्यूब दोनों में से कोई एक सर्किट परीक्षा में पूछते हैं। ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग, तो हाउस वायरिंग के अंदर इस प्रकार अलग अलग रूम में फर्स्ट फ्लोर पे इस प्रकार से ये वायर के सर्किट बनाए जाते हैं। बॉक्स सिस्टम ऑफ वायरिंग, ये बॉक्स सिस्टम ऑफ वायरिंग है, अर्थ है, एनर्जी मीटर लगा हुआ है, अर्थ भी लगाएंगे, मैन स्विच और अलग अलग रूम के अंदर हम ये कनेक्शन के वायर सप्लाई के द्वारा जोड़ेंगे। तो बॉक्स सिस्टम ऑफ वायरिंग आपने देखा। लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग, लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग, तो ये इस प्रकार से वायरिंग फेस और न्यूट्रल के जा रही हैं, डीपी आई सी स्विच के साथ फ्यूज भी लगा हुआ है और ये तीन जंक्शन बता रखे हैं स्विच के द्वारा। ये देखिए क्लीट वायरिंग, क्लीट वायरिंग,
थ्री शॉट क्लीट भी है, टू स्लॉट क्लीट भी है और वायरिंग इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद ये जो है केसिंग और ये कैपिंग, केसिंग कैपिंग वायरिंग भी कहीं कहीं की जाती है। उसके बाद है सरफेस कंड्यूट पाइप वायरिंग। सरफेस कंड्यूट पाइप वायरिंग इसके अंदर वायर लगाएंगे, कनेक्शन वायर इसमें से होके प्रवाहित होंगे। अच्छा, ये है बेटन वायरिंग। आप पहले लकड़ी की एक बेटन लगाई है या प्लास्टिक के लगाई है, इसके ऊपर वायर हमने इस प्रकार क्लिप के द्वारा, जॉइंट क्लिप के द्वारा जोड़े गए। तो ये कौन सी है, पैटर्न वायरिंग। अब ये देखिए वेरियस वायरिंग सर्किट, वन लैंप कंट्रोल बाय वन स्विच, बिल्कुल सिंपल है। फिर टू में देखिए टू लैंप कंट्रोल बाय टू स्विच, तो ये जो क्रॉस कर रखा है स्विच है, जो क्रॉस करके ये आपके लैंप है और नीचे की तरफ जो है ये स्विच लगे हुए हैं, तो टू लैंप कंट्रोल बाय टू स्विच। थर्ड के अंदर देखिए टू लैंप कंट्रोल बाय वन स्विच, तो इनको सीरीज में जोड़ रखा है, तो एक ही स्विच से दोनों लैंप कंट्रोल किए जाते हैं। फिर फोर्थ में देखिए टू लैंप कंट्रोल बाय वन स्विच, जब ये पैरेलल में लगाए हैं, पहले वाले में सीरीज में थे, अब इसमें जो ये लैंप लगाए हैं पैरेलल में लगाए हैं, तो उनका ये वायरिंग डायग्राम इस प्रकार करेंगे। तो प्रैक्टिकल में भी आप ज़रूर करके देखें। वन लैंप कंट्रोल बाय टू स्विच, अब एक ही लैंप को हम दो अलग अलग स्विच के द्वारा कंट्रोल किस प्रकार करेंगे, उसका ये सर्किट डायग्राम है। सिक्स्थ में देखिए वन लैम्प कंट्रोल बाय थ्री स्विच, एक लैम्प को तीन स्विच के द्वारा कैसे कंट्रोल करेंगे, उसकी ये वायरिंग डायग्राम है। तो ये आप प्रैक्टिकल करके भी देखें और सर्किट भी याद रखें दोनों। अब स्टेयर गैस वायरिंग का जो कि सबसे पहले इन्होंने लेआउट बनाया, लेआउट बनाया, उसके बाद ये सर्किट डायग्राम बनाया सिंपल, फिर ये फाइनल के अंदर ये वायरिंग डायग्राम तैयार किया। तो स्टेयर गैस वायरिंग डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वायरिंग डायग्राम बनाएं और अपनी स्केच बुक के अंदर भी इसको बनाकर रखें। थैंक यू।